अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज़। काला पत्थर पीएस लिमिट तिगल कुंटे में एक शर्मनाक बात पेश आई। सैयद एजाज खान नामी शख्स जो कि एक सर्विसिंग सेंटर का ओनर है और वही सर्विसिंग सेंटर के बाजू में एक कचरा कुंडी पर टायर्स को आग लगी थी और ऑन ड्यूटी कांस्टेबल वहां से जा रहे थे और उस आग को देखकर रुक गए और उसी सर्विसिंग सेंटर से उन्होंने पानी मांगा। पानी मांगने पर सैयद एजाज ने उन कांस्टेबल के साथ गैर ज़रूरी बात की और उनके साथ में बदसलूकी की और वहीं पर उन्होंने मेरी पहचान मीडिया में होने का भी दावा किया और कुछ मीडिया वालों को जमा कर लिया। इसी बात को लेकर वहां पर कुछ अनाप शनाप बातें हो गई और उसी बात पर हमारे आज़ाद न्यूज़ के रिपोर्टर जनाब फरहान खान ने काला पत्थर SHO एस सुदर्शन साहब से बात की और उन्होंने कहा कि इस बात का बतंगड़ ना बनाए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। हमारा कांस्टेबल और कांस्टेबल पेट्रोल का ड्यूटी करने के टाइम पे NS कुंटा पे एक चट्टा कुंडी पे आग लग रहा था, उसके बाजू पे रिक्शा भी था, आग लगा तो बाजू को एक सर्विसिंग सेंटर है, वो बच्चे को पानी डालो बाबा पानी दे बोले तो पानी नहीं है बोल के आर्गुमेंट करो, अरे जल जा रहा बोल के डालो बोल के तो उसमें बात से ये हो गया और उसको कोई नहीं मारा तुम्हें, वो फेक स्टेटमेंट दे के ये वायरल हो रहा, ये पूरा गलत है। जो आग लग रहा उसको ये करने के बारे में बोला मगर उससे कोई हमारा कोई मतलब नहीं है।